आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बेडमी पूरी और आलू की सब्जी की एक ऐसी रेसिपी जो कि बहुत ही इजी है बनाने में। नॉर्मली सबको ये घर पे बनानी मुश्किल लगती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शेफाली और स्वागत है आप सबका शेफाली की दावत में। तो आइए आज बनाते हैं बेडमी पूरी और आलू की सब्जी। इसके लिए सबसे पहले पूरी की स्टफिंग रेडी करेंगे। ये मैंने पैन में 1 कप उड़द की दाल ले ली है, जिसे कि हम ड्राई रोस्ट करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे रोस्ट करेंगे और अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल दूंगी और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। इससे जो भी इसके अंदर कोई मॉइस्चर है तो वो ख़त्म हो जाएगा। अब हम पूरी का आटा बनाते हैं। उसके लिए मैं लूंगी 1.5 कप गेहूं का आटा और 1/4 कप सूजी। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट और 1/2 टीस्पून अजवाइन, जिसको कि इस तरह से मैं हाथों से क्रश करके इसमें ऐड कर दूंगी। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून सूखी मेथी और 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल और 1 टेबलस्पून देसी घी। इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो इस तरह से हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो घी और ऑयल हमने डाला है वो अच्छे से सारे आटे में मिक्स हो जाए। अब हमें इसका एक हार्ड डोर तैयार करना है, जिसके लिए मैं एकदम से पानी नहीं डालूंगी, थोड़ा थोड़ा पानी हाथों में लेते हुए हम इसका डो तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरी कोई भी वीडियो ना मिस करें। तो इस तरह से हमारा डो जो है लगभग रेडी है। अब हमें इस डो को कम से कम आधे 1 घंटे के लिए कवर करके रख देना है। अब हम पूरियों की फिलिंग रेडी करते हैं। उसके लिए जो दाल हमने रोस्ट की थी उसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करके हमें इसका एक फाइन पाउडर रेडी करना है। ये देखिए, इसमें अगर थोड़ा सा मोटा रह जाता है तो टेंशन ना लें, ये अच्छा लगता है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और अब इसमें ऐड करेंगे मसाले, जिसमें 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, 2 टीस्पून सौंफ का पाउडर, 1 टीस्पून हींग, 2 ग्रीन चिलीज चॉप की हुई, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 2 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब हम एक स्पून की हेल्प से इसे धीरे धीरे मिक्स कर लेंगे। जब ये सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो हमें इसका भी एक डो रेडी करना है। इसके लिए मैं इसमें 3 टेबलस्पून पानी ऐड कर रही हूँ एक बार। अगर ज़रूरत लगेगी तो मैं बाद में और ऐड कर लूँगी। यहाँ हमें इसका एक सॉफ्ट डो रेडी करना है। एक बात का ध्यान रहे कि डो जो है हमारा ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो उड़द की दाल है इसको जब हम कुछ टाइम के लिए रखेंगे तो वो अपने आप और हार्ड हो जाएगी। ये हमारा डो रेडी हो गया है, अब इसे भी हम रेस्ट के लिए रख देंगे। तब तक हम रेडी करते हैं हमारी आलू की सब्जी। उसके लिए मैं एक कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल लूँगी और उसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून हींग और 2 तेज़पत्ता। इन्हें हम लो टू मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 3 से 4 लौंग और 1 टीस्पून जीरा। इसे भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 इंच जिंजर कटा हुआ और 2 ग्रीन चिलीज चॉप की हुई। इन्हें भी 1-2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 टमाटर, जिनको कि मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। इन्हें हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे ऑयल रिलीज होने तक भूनना है। तब तक हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे, जैसे कि 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, और इन्हें मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून अमचूर पाउडर। ये आलू जो हैं खट्टे खट्टे ही अच्छे लगते हैं, तो इसलिए अमचूर इसमें थोड़ा ज़्यादा जाता है। इन्हें भी हम मिक्स कर लेंगे और टमाटरों के साथ इन मसालों को भी भूनने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए कलर कितना अच्छा आया है। अब जब तक हमारे ये मसाले भून रहे हैं, इन्हें हम लो फ्लेम पे कर देंगे। तब तक दूसरी साइड पे मैं एक पैन में 1 टेबलस्पून बेसन लूँगी और इसे हम 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये जो बेसन है ये हमारी वेजिटेबल को एक थिकनेस देता है और इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो ये हमारा मसाला भी ऑयल छोड़ रहा है, बेसन भी हमारा भुन चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे हमारा भुना हुआ बेसन और इन्हें फटाफट से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना पड़ जाए।
ये हमारा मसाला जो है थोड़ा ज़्यादा थिक है, तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से भुन सकें। तो ये देखिए इस तरह से जो हमारी मसालों की ग्रेवी है वो रेडी होनी चाहिए। तो ये मसाले जो हैं अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे बॉयल किए हुए आलू। इसमें मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं। इस तरह से हमें इसे बीच से तोड़ना है, इसे किसी प्रॉपर शेप में नहीं काटना है, इसे इस तरह से रफली ही तोड़ के हमें इसमें डालना है। इस तरह से मैंने 3 बड़े बड़े साइज़ के आलू लिए हैं और उनको डाल दिया है। अब इन्हें मिक्स कर देंगे ताकि जो मसाला है वो अच्छे से इन पर कोट हो सके। तो ये देखो अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। जितनी भी सब्जी आपको गाढ़ी या पतली रखनी है उस अकॉर्डिंग आप पानी ऐड कर सकते हो। एक बार इसमें 2 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। पानी डालने के बाद एक बार हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेंगे, क्योंकि ये जब बंद हो जाएंगे उसके बाद भी थिक होंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ और मसाले, जिसमें कि 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून सूखी मेथी और 1/2 टीस्पून सौंफ का पाउडर। इन सबको भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। ये जो ऊपर से हमने मसाले डाले हैं इनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसमें एक बॉयल आने देंगे और बॉयल आने के बाद ये बॉयल आ गया है, हम इसे कवर कर देंगे और लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए इसे पकने देंगे। तो 4 से 5 मिनट के बाद देखिए ऑयल जो है हमारा थोड़ा थोड़ा ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ धनिया और ये हमारी सब्जी जो है आलू की बिल्कुल बनकर रेडी है। आप टेस्ट करेंगे बिल्कुल बाजार जैसी बनी है। अब हम बनाएंगे हमारी पूरियां। उसके लिए एक बार मैं आटे को सेट कर लूँगी और उसके बाद हम अपनी जो इसके लिए फिलिंग बनाई थी उसको भी हम एक बार के लिए थोड़ा सा सेट कर देंगे। तो ये देखिए ये जो डो बनाया था ये कितना हार्ड हो चुका है। अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा मटेरियल लेंगे और इस तरह से उसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। तो सारे मटेरियल की हमने ये बॉल्स बना के रेडी कर ली हैं। अब जो हमने पूरी के लिए आटा गूंदा था उसमें से भी हम इसी तरह छोटी छोटी लोइयाँ बना के तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसकी एक बार 2 लोइयाँ बनाएंगे, फिर मैं आपको इसके अंदर स्टफिंग करके बताती हूँ। तो ये देखिए ये मैंने एक लोई ली है, इसको हम इस तरह से बीच में से प्रेस करेंगे और एक छोटी सी कटोरी की शेप दे लेंगे, जिससे कि हमें हमारी फिलिंग जो है इसमें स्टफ करनी ईजी हो जाए। अब इसके अंदर मैंने जो स्टफिंग के लिए बॉल्स बनाई हैं वो रखूँगी और इस तरह से सारी तरफ से उसको बंद कर देंगे और बंद करके ऊपर से ऐसे तीखा करते हुए जो एक्स्ट्रा हमारा आटा होगा उसे निकाल देंगे। एक बात का ध्यान रहे कि हमने जो ये पेड़ा बनाया है इसमें कहीं भी कोई क्रैक ना रहे। तो ये देखिए कितना अच्छी सॉफ्ट बॉल बन के रेडी हुई है। इसी सेम प्रोसीजर से मैं आपको दूसरी वाली लोई में भी स्टफिंग फिल करके दिखाती हूँ। उसी तरह हम इसे फ्लैट करके कटोरी की शेप देंगे और इसके अंदर रखेंगे हमारी स्टफिंग की बॉल। ये स्टफिंग की बॉल काफ़ी हार्ड होती है तो ये बहुत इजीली बीच में सेट हो जाती है। तो ये देखिए एक्स्ट्रा आटा मैंने निकाल दिया और ये हमारी दूसरी लोई भी बनकर रेडी है। जब तक हम सारी लोइयाँ बनाते हैं उससे पहले हम कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख देते हैं। तो जब तक ये गर्म होता है मैं बाकी लोइयाँ रेडी कर लेती हूँ। बाकी की लोइयाँ भी हमारी बनकर रेडी हैं और हमारा तेल भी जो है ये देखिए चेक करते हैं गर्म हो चुका है। ये देखिए अब हम लोइयों को बेल लेंगे। मैंने चकले पे थोड़ा सा ऑयल लगाया है और उसको इस तरह से फैला लिया है। अब हम अपनी एक लोई लेंगे और उसको इस तरह से हाथ से प्रेस करते हुए धीरे धीरे बेल लेंगे। तो ये देखिए हमारी स्टफिंग बिल्कुल बाहर नहीं आ रही है क्योंकि वो बहुत अच्छे से फिल हुई है। अब इस बेली हुई पूरी को हमने जो ऑयल गर्म किया था उसमें डालेंगे। तो ये देखिए जो ऑयल है हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। एक बार गर्म होने के बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पे कर देंगे, फिर ऊपर से सॉफ्टली इस तरह से प्रेस करते हुए हम पूरी को फूलने देंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से फूल गई है। अब इसकी साइड को फ्लिप करते हुए दूसरी साइड भी सेक लेंगे। ये पूरी खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आप इसको अचार के साथ भी खाएंगे ना तब भी ये उतनी ही अच्छी लगती है।
तो ये देखिए इस तरह प्रेस करते हुए दूसरी साइड भी इसकी सिक चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। गर्मा गर्म पूरी बनकर रेडी है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत गर्म है। तो ये देखिए ये जो स्टफिंग है इसकी कितनी अच्छी लग रही है। इसी तरह से हम अपनी बाकी की पूरियाँ भी अब फ्राई कर लेंगे। ये देखिए एकदम से पूरी ज़्यादा गर्म ऑयल में मैंने नहीं डाली है, क्योंकि उससे क्या होता है कि उसकी ऊपर की लेयर जो है वो जल जाती है। इसका कलर बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो इस तरह से हम अपनी बाकी सारी की पूरियाँ फ्राई कर लेंगे। अब इसके साथ प्याज का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, तो उसके लिए मैंने ये लंबा लंबा प्याज काट लिया है। अब इसके ऊपर डालूंगी मैं एक नींबू का रस और उसे अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा रेड चिल्ली पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट। इनको मिक्स करके हमारा प्याज भी रेडी है। आइए हम अपनी पूरियाँ सर्व करते हैं। तो लीजिए गर्मा गर्म पूरियाँ तैयार हैं, खुद भी खाइए और दूसरों को भी बनाकर खिलाइए, और यकीन करिए सब आपके खाने की तारीफ ही करेंगे। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और अपने फीडबैक्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करें।